तो आज है महासप्तमी, तो सबको हम लोगों की तरफ से शुभ महासप्तमी दुर्गा पूजा का। कल चुमकी ने एंड में दो बहुत अच्छी रेसिपी बनाई थी, तो आज हम शेयर करने वाले हैं वो रेसिपी आपके साथ। अगर अभी तक आप लोगों ने हम लोग के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब हम लोग के चैनल। देखिए नीचे एक बटन है रेड बटन, उसको सब्सक्राइब करिए, जस्ट फ्री है, एंड प्रेस द बेल आइकन, तो जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। अभी मैं जा रही हूँ दो रेसिपी बनाने के लिए, तो एक है नॉन वेज और एक है वेज। ये चिकन आज बनेगा, चिकन का स्टू। ये है 500 ग्राम चिकन, तो पहले मैं इसको मैरिनेट कर लेती हूँ। तो मैंने ले लिया ये, अभी इसमें मैं डालूंगी ये कट दही, इसमें है अदरक जीरा और धनिया पेस्ट, तो ये मैं दे रही हूँ। तो इसमें जाएगा ब्लैक पेपर मैरिनेट के टाइम, तभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी इसको मैं 5 to 10 मिनट तक रख दूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुकिंग। अभी इसमें ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, ये है दालचीनी, हरी इलायची, लौंग और ये है काली मिर्च। देखिए मैंने थोड़ा सा ही क्रश कर लिया, ये क्रश करने से बहुत अच्छा जो फ्लेवर होता है वो आता है। तो अभी मैं इसमें ये डाल दिया, 2 तेज पत्ता मैंने इसमें डाल दिया। अभी मैं इसमें ये प्याज ऐड कर रही हूँ, अभी इसमें मैं लहसुन ऐड कर रही हूँ। ये मैरिनेटेड चिकन ऐड कर रही हूँ। अभी इसी टाइम मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। अभी इसमें मैं ये सारे सब्जी इसमें मैं अभी ऐड करूंगी। इसमें है गाजर ऐसे बड़े बड़े करके काटा हुआ, कैप्सिकम, ये बीन्स और पपीता, तो ये सारे अभी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये सारे एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और नमक थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा घी इसमें ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये जो मैरिनेट किया था उसका धोया हुआ पानी है, ये सिर्फ इसको ऐसे बंद कर देना और एक सीटी हो गया है। तो अभी मैं इसको बंद कर रही हूँ, गैस ओपन करने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है। ओके गाइस, तो मैंने सर्व कर दिया है और आप लोग देख सकते हो कि कैसा लग रहा है। तो चलिए मैं नेक्स्ट रेसिपी कर देती हूँ। अच्छा, ये जो रेसिपी है ये प्योर वेज रेसिपी है। तो फर्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ, ये है 5 फोड़न, बंगाली का एक सिग्नेचर डिश है काली सरसों। कुछ भी फंक्शन होता है, मतलब शादी हो या कोई भी शुभ कार्य हो या कोई भी ओकेशन हो, तो इसमें ये जो वेज रेसिपी है ये होता ही है सारे बंगाली के घर पर ही। जो रेसिपी मैं बना रही हूँ उसका नाम है शुक्तो और ये शुक्तो का मसाला। अभी मैं इसको निकाल रही हूँ, अभी इसको मुझे पाउडर बनाना है। कढ़ाई में डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, तो ये गरम हो गया है ऑयल, उड़द दाल की बड़ी है ये, तो अभी मैं इसमें ये बोरी डाल रही हूँ। ओके, तो ये हो गए हैं सारे
अभी मैं इसको, ये है उच्छे मतलब करोला, इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। ये पूरा फ्राई हो गया है, अभी मैं इसको उठा रही हूँ। बैंगन, ओके, तो ये हल्का फ्राई हो गया है, अभी मैं इसको उठा रही हूँ। अदरक मैंने ले लिया है, अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इतना सा राधुनी, सरसों मैंने पाउडर भी बना लिया है और ये पेस्ट के लिए भी मैं यूज कर रही हूँ। अभी मैं इसमें पानी ऐड करूंगी और इसका पेस्ट बना लूंगी। तो पहले अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू और ये बीन। तो ये थोड़ा सा फ्राई हो गया है, अभी मैं इसमें ये जो करोला मैंने फ्राई करके रखा था वो ऐड कर रही हूँ। अभी इसमें मैं ये पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये मसाला धो के इसका जो पानी है अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और पानी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, तो अभी मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये बोड़ी और ये बैंगन। शुगर, तो ये हो गया है डन। अभी मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ और मेन जो चीज है अभी करने वाली हूँ। गैस को ऑन कर दिया, अभी मैंने ये हांडी ले लिया है, मस्टर्ड ऑयल 5 फोरन, ये धोके मैं और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये हो गया है, अभी मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये दूध, और इसमें मैं मैदा का मिला रही हूँ। तो ये मिला लिया है, अभी मैं इसमें ये दूध ऐड कर रही हूँ। अभी जाएगा इसमें ये मसाला जो मैंने सबसे पहले ये मसाला बना के रख दिया था वो मसाला, और ये घी अच्छे से अभी इसको मिक्स कर लेना है। ये हो गया है डन, अभी मैं इसको ऑफ कर रही हूँ। और कल का 2 रेसिपी था, आप लोगों ने देखा, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। हाँ। मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग, सॉरी आप लोगों को टेस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, पर आप लोग घर पर बनाइए। हाँ। तब तो आप लोगों को टेस्ट करने का मौका मिलेगा, बहुत अच्छा बना है और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। Right. एकदम ऑथेंटिक बंगाली डिश है एक, और एक तो है नॉर्मल स्टू, तो अच्छा लगेगा आई होप।
ओके, तो मैंने सर्व कर दिया है और अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो मसाला मैंने दिखाया था इसमें ऐड भी किया हुआ था वही हम थोड़ा ऊपर से गार्निश कर देंगे ऐसे। So, ये है आज का लंच, एकदम डिफरेंट मिक्स ऑफ, मतलब बहुत कुछ है इसमें। तो आज इसमें आप देख रहे हो, पहले स्टार्ट करते इससे, शुक्तो, बंगाली का फेमस रेसिपी है शुक्तो। ये है क्रैब करी, दिखने बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और ये है चिकन स्टू विथ वेजी। मेरी मैंने तो जैसे लेता हूँ ब्राउन राइस, और मम्मी और वाइफ की है राइस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है महासप्तमी, तो सबको हम लोगों की तरफ से शुभ महासप्तमी दुर्गा पूजा का। तो कल आप लोगों ने देखा कि षष्ठी के दिन हम कहीं गए नहीं, घर पे ही थे, यहीं पे घर पे ही थे, मतलब सच धज के थोड़ा बहुत गप्पे मारे। और उससे पहले आपने ये भी देखा सुबह से हमने क्या किया। कल चुमकी ने एंड में दो बहुत अच्छी रेसिपी बनाई थी, आज इवन हमने मुझे टेस्ट भी किया, बहुत अच्छा हुआ था। तो आज का क्या प्लान है, क्या करना है, क्या है, आपसे शेयर करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। कोई गो की कुछ है और कौन भी लोग तो भीड़ हो जाबे ओखाने लोके बोलो। ये है मेरा सप्तमी का ड्रेस, ये है मेरा सप्तमी का ड्रेस। अच्छा, और माँ का है ये वाला सप्तमी का ड्रेस, माँ को देखो अच्छा है। माँ इतना तो फाटा फाटी है। अच्छा, और विजय का भी नया ड्रेस है। लोग बोलेंगे कौन से पगलेट है, हर दिन ये सज धज रहे हैं। आज सप्तमी है, आज भी चल रहा है वो गाना, एक ही गाना चल रहा है, मतलब एक ही जो वो क्या बोलते हैं उसका रिमिक्स था क्या यार। देखो पूजा में वो गाना अगर नहीं चलाए तो पूजा, मतलब पर हम लोगों का कान पक गया है, मां को देखिए। सबको पता है कोलकाता में वो आशा भोसले और किशोर कुमार का वो टिपिकल बंगाली सॉन्ग। टीवी नहीं देख पा रही है माँ, कुछ देर बाद ही बोल रही है थोड़ा धीरे करो थोड़ा धीरे करो, टीवी नहीं देख पा रही है कि यार, सच में बोल रहा हूँ इस बार के लिए ठीक है, एक बार हमने कर लिया भाई, अगली बार तो ना हो पाएगा। नहीं नहीं नहीं, अगली बार हम जरूर निकलेंगे विदाउट मास्क निकलेंगे। हाँ, होप सो। हाँ, चलो आज का प्लान क्या है? हैंडल पे जाएंगे, कुछ खाना वाना खाएंगे। अच्छा, आज हम कोलकाता में जाएंगे। हाँ, कोलकाता में कैसे जाएंगे? मेरा फ्रेंड है, उसके साथ अभी थोड़ी देर बाद हम लोग वीडियो कॉल करने वाले है। हाँ, वो भी घर पर है, काकीमा है, तो हम लोग हाँ एक साथ उनके साथ बात करेंगे, तो हमारा तो टाइम बीत जाएगा। एक्चुअली वो मेरा बचपन का फ्रेंड है, मतलब हम लोग दुर्गा पूजा एक साथ ही मनाते थे जब विजय और हम एक साथ, मतलब शादी के पहले, तो वो ही था हर वक्त वो फ्रॉम डे वन। हाँ हाँ हाँ, वो ही था। तो उसके साथ अभी हम बात करेंगे, वही मेरा फ्रेंड जिसका शादी का व्लॉग हमने बहुत अच्छे से जिसका व्लॉग दिया था आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन जिन लोग नए हैं हम लोग के चैनल में उनको नहीं पता होगा, तो मैं ना यहाँ पे लिंक दे देता हूँ, तो वहां पे जाके देखिएगा कि बंगाली का शादी कैसे होता है ना, कैसे टिपिकल शादी होती है वो आप देख लो वहाँ पे, बहुत अच्छा है, बहुत फन था वहाँ, बहुत अच्छा लगेगा। और वही है हम लोगों का आज का प्लान, हम कोलकाता चलते हैं। तो पहले अभी हम उस पे बात करेंगे या पहले चाय पियेंगे? चाय पी लेते हैं, माँ का थोड़ा सर दर्द कर रहा है विजय का गाना सुन के। माँ बहुत पंचुअल है, उनको सब कुछ टाइम पे चाहिए, उनको टाइम पे चाय चाहिए, ऐसी बात नहीं। पूरा दिन ये आशा भोसले का जो गाना है वो चलाता रहता है, और विजय माँ का पूरा सर दर्द कर रहा है ये गाना सुन के, माँ कान पक गया है हम लोगों का, हम लोग ऐसे बोल रहे हैं विजय को बंद कर बाबा। अभी मैं चलाऊंगा, ये वीडियो करना पड़ रहा है इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ,
ये रख के मैं अभी कराऊंगा। इसमें कॉपीराइट आ जाएगा ना, तो जितने वक्त तक हम वीडियो करते हैं उतने वक्त तक हमारा कान का शांति सुनना नहीं पड़ रहा है। तो चलो कर लेते हैं, पहले हाँ। चाय पी लेते हैं उसके बाद। अच्छा, और आज का व्लॉग में वो रेसिपी जाएगा। हाँ, मैंने बताया अभी। देखना, हाँ बता दिया ना। हाँ, तो वही रेसिपी जरूर देखना, अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए हम लोग चाय बना लेते हैं और कनेक्ट करते हैं मेरे फ्रेंड के साथ, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चलिए, अभी हम बैठ गए हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे फ्रेंड के साथ हम लोग 9-10 को बात करेंगे। हेडेक है, अपॉइंटमेंट 9-10 को मिला है। रिलैक्स कर रहे हैं बैठ के। अच्छा बना ना हमारा ये जगह, देखिए खाली हो गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार का पूजा ना खराब लग रहा था, पर जब हम टीवी में देख रहे हैं कि सारे लोग ही घर पर है ना, तो अच्छा फील हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग ही घर पर है, सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं कोलकाता में, ऐसी बात नहीं है, सारे लोग ही घर पर है, तो थोड़ा थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। तो चलिए थोड़ी देर बाद कनेक्ट करते हैं। तो माँ ने बोरी दिया था, ये रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हाँ, और विजय की देख सो अभी माँ वीडियो, अच्छा चले गए थे ना। अच्छा, माँ का वीडियो आज गया है, आप लोग देख लेना, स्पेशल रेसिपी माँ ने आज शेयर किया है। देखो देखो, मैं बता दूँ कि ये जो क्रैब है ये जिंदा नहीं है, मरा हुआ है, पर माँ जिंदा क्रैब ऐसे पकड़ती थी और ऐसे ही उसका जो दाड़ा होता है वो निकालती थी। मतलब माँ ना ये सब में एक्सपर्ट है। तो आप लोग देख लेना जरूर ये वाला वीडियो, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए अभी बैठते हैं। चलिए, अभी 9 बज गए हैं तो अभी हम कॉल करते हैं। हाँ, की चाय होएगा जी? तो चाय भी बन गई है, साथ लेंगे। अच्छा, तुम लोग तैयार? कॉल करो उसे। हाँ, कॉल कर ले। अरे नीचे चला गया है तुम्हारे वो तो। पाइस चलो। ओके। ये हमें तीन जन कवर हो गए आई थिंक। कॉल करने है? হ্যাঁ, ভালো আছি। ओके गाइस, तो अभी जस्ट खत्म हुआ हमारा कॉल। विजय तो पूरा सो गया था। आज दोनों के साथ हमने वीडियो कॉलिंग किया, एक मेरे फ्रेंड के साथ और विक्रम के साथ, मतलब होल फैमिली था, तो बहुत ही अच्छा लगा। अभी मतलब पूजा पूजा ही लग रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कल है महाअष्टमी, तो आप लोग बहुत अच्छे से महाअष्टमी एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए, हाँ मिलते हैं अगले व्लॉग पे, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए हम लोग के चैनल और बेल बटन को क्लिक कर दीजिए, और पूरी वीडियो देखा है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। हाँ, और कमेंट भी कीजिए कि कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये पूजा का व्लॉग जो जा रहा है। तो कल है महाअष्टमी, तो कल एक नया व्लॉग लेके हम आ जाएंगे आप लोगों के सामने। तो चलिए, गुड नाइट, बाय बाय।